अभी अभी सभा का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए, जो कि आज हम सबके गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत सदस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज उनकी विरतिथि में आज मथुरा में हम लोग मनाने जा रहे हैं, जो कि गोवर्धन में पहले नवोद्वीप में फिर गोवर्धन में और वृंदावन में मनाया गया। सभी भक्त लोग समुपस्थित हुए आज यहाँ मथुरा में श्री केशव जी गौड़ीय मठ मथुरा में हमारे मध्य में उपस्थित परम पूजनीय श्री श्री वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी जी, जो कि गुरु जी के अत्यंत प्रिय हैं और गुरु जी ने जिनको अपने हृदय से लगाया वे अपनी बातों को अपनी महिमा से ही वर्णन करेंगे। अभी हम लोग प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्रीनारायणैति नाम्नि। आज सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद अष्टोत सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण श्री बामन गोस्वामी महाराज तदीय चरण जुगली असंख्य कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करता। फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑफर माई थाउजेंड लोटस फीट ऑफ श्रील गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एंड श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज ऑल्सो ऑल प्रेजेंट वैष्णव एंड वैष्णवी श्री वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी जी ऑल माता जी आई ऑफर माई दंडवत प्रणाम। गुरुदेव श्रील नारायण गोस्वामी महाराज श्रील परम गुरु महाराज जी के द्वारा स्थापित यहाँ पर आ करके यहाँ का चार्ज और संपूर्ण भार दायित्व उन्होंने ग्रहण किया, जबकि बहुत पहले से उसके पश्चात मैं आया 74 में, उस समय गुरु जी के साथ में ही रहा और 76 में यहां आकर के संपूर्ण रूप से उन्होंने प्रचार प्रसार प्रारंभ किया और तब से विशाल रूप धारण किया। विश्व में सर्वत्र गए, जो कि आज हमारे मध्य में श्री श्यामरानी माता जी श्री वृंदावन विलासिनी माता जी उपस्थित हैं और ब्रजनाथ प्रभु फर्स्ट टाइम गुरुदेव प्रीस्ट हियर एंड ही एम्ब्रेस्ड ऑल ब्रजवासी एंड सो मच लव एंड अफेक्शन इन दिस वे ही बिकम ब्रजवासी एंड कॉल टू एवरीवन give respect to everyone, all Brahmins, all Vaishnav, all Sampradaya Sadhus, all senior devotees, everyone they came here, also all Prabhupada disciples, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada disciples, all great sannyasis,
लेकिन गुरुदेव गिव लव एंड एफेक्शंस एंड शार्प टू देम इन दिस वे दे वर वेरी प्लीज्ड दे केम ऑल्सो आई हैव सीन ऑलवेज स्ट्रांग रिनाउंसिएशंस माइंड नो नीड एनीथिंग एल्स नो नीड मनी नो एनी डिजायर्स वेरी स्ट्रांग इन दिस वे ही लिव थ्री ओक्लॉक ऑल प्रेयर्स ही प्रेड टू राधा एंड कृष्ण गौरांग महाप्रभु एवरी डे चांट वन लाइस हरिनाम एंड नो क्रिटिसाइज नो एब्यूज नथिंग पीसफुल लाइफ वेरी एफेक्शन इज गिव एफेक्शन टू एवरी वन ऑल्सो शार्ट टू एवरी ही डिड भजन साधन श्री सेवरानी माताजी वृंदावन विलासिनी माताजी ब्रजनाथ प्रभु दे केम फर्स्ट टाइम गुरुदेव टोल्ड मी यू गिव प्लेस टू देम गिव रूम टू देम दे आर स्टेइंग विथ मी आफ्टर देम दे रिक्वेस्ट टू गुरुदेव गुरुदेव वी आर मैनेजिंग यू प्लीज कम आउट ऑफ इंडिया ऑल वेस्टर्न कंट्री एवरी वन वेटिंग फॉर यू That time, Gurudev went all western countries everywhere and preached there all senior disciples who here there has gone and to live here there. Everyone they came and very happy. Gurudev embraced to them after gave bliss to them and peace to them. And also so many disciples. In this way, everyone came. All Vaishnavas and Vaishnavis, Mahatajis, so they preached everywhere. They are very nearest. So I want, they can speak something. And of Puspanjali, first, Purandar Guru, you can speak something. Then Sri Sambhavi Mahatajis. ज्ञान किमिरांगस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तवृंद समन्वितं श्रीचैतन्यं वंदे नित्यानंदं समुदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयं गोपीजन सावृतं वृंदावन मनोहरं सर्वप्रथम मैं श्री दीक्षागुरु शिक्षागुरु के पास में अनंत कोटि राष्ट्रांग दंडों की प्रणति ज्ञापन करता हूँ तत्पश्चात उपस्थित पूजनीय श्री वासुदेव सिंह चतुर्वेदी एवं समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम स्वीकार आज हम यहाँ मथुरा में श्री महाराज जी का विरह तिथि का पालन कर रहे हैं। हम ऐसा सोचा भी नहीं था कि हमें ऐसा करना पड़ेगा किंतु ये दिन भी उपस्थित हुआ। महाराज जी को मैंने प्रथम बार 1990 में इस्कॉन बॉम्बे में देखा था। उसके पश्चात मैं 1992 में महाराज जी के पास आया था। तब से महाराज जी ने मुझे अपनी सेवा में नियुक्त किया।
कब से मैं यहाँ पर मथुरा में महाराज जी के पास ही रहता था और अब तक मुझे कभी उनके विरह का अनुभव नहीं हुआ था, किंतु आज प्रथम बार ही मुझे उनके नहीं होने का ये अनुभव हुआ। मैं अब तक महाराज जी के आदेश अनुसार जो भी कुछ उन्होंने कुछ सेवा मुझे बताई थी उसको यहाँ पर करता रहा और अब तक जो हमारे साथ यहाँ पर रखे उन्हें जो उनके दिमाग में बहुत बड़ा है, मैं उनको क्या वर्णन कर सकता हूँ। मैं तो उनके निकट ही रहता था, सबसे मैं मुझे प्रीति जी बुलाते थे उनके यहाँ पर रहते हुए। जिस समय में अभी मुझे अंदर जो पूजा कर रहे थे एक बात याद आ गई, 96 में पहली बार महाराज जी विदेश चले गए, सभी ब्रजवासियों को बुला करके महाराज जी ने नीचे सभा की थी और सभी ब्रजवासियों से कहा कि मैं विदेश जा रहा हूँ, मुझे आप लोग आशीष वचन दीजिए। श्रीमान वासुदेव कृष्ण चतुर्थी उस सभा में पहली बार आए थे और जिस समय के ऊपर महाराज जी का नया घर बनाया था उस समय महाराज जी को गृह प्रवेश के लिए भी हमने यहाँ पर लाए। महाराज जी जिस समय घर में प्रवेश कर रहे थे तो हम लोग तुम्हारा और मैं और सभी ब्रह्मचारी हम लोग यहाँ पर उनको घर में प्रवेश करा रहे थे। सर में पुष्प डाल रहे की आप इस नए घर ऊपर बनाया था क्योंकि महाराज जी तो नीचे रहते थे। तो इस प्रकार भक्तिवरद ठाकुर सरस्वती की धारा में स्वामी महाराज के पश्चात महाराज जी ने पूरे पृथ्वी में महाप्रभु की और कृष्ण की वाणी का प्रचार किया। हम लोग तो पास में रहते थे, हमको इस बात का इतना अनुभव नहीं रहा कि महाराज जी इतने बड़े हैं क्योंकि हम तो उनके पास में रहते थे। बाहर के लोग कहते तुम तो बड़े हो, तुम्हारे इतने बड़े महाराज जी हो, तो इस बात का मुझे अभी तक अनुभव नहीं हुआ कि कभी हम बड़े हैं कि हमारे महाराज जी बड़े हैं। जिस समय मैं यहाँ पर आया था उस समय महाराज जी के पास यहाँ पर हम लोग ज्यादा लोग नहीं थे, 10-12 ब्रह्मचारी रहते थे। महाराज जी यहाँ बाहर नीचे भी बैठते थे, बाहर में पंखे के नीचे सोते थे, हम रात में कभी बैठते थे, शाम को प्रतिदिन मथुरा में प्रवचन करते थे। तो इस प्रकार हम अति निकट रहे किंतु उनके महिमा आप लोग बाहर के लोग ही ज्यादा समझते हैं। तो इस प्रकार उनका विरह उनकी महिमा इतनी बड़ी है, महाप्रभु के और राधा कृष्ण के को नित्य परिकर है। जिस समय में यहाँ से प्रतिवर्ष पहले 4-5 साल प्रतिदिन प्रतिवर्ष जब यहाँ से विदेश जाते थे तो लगभग पहले 4 साल या 5 साल तक हर बार जाते समय में यहाँ ब्रजवासियों को बुला करके वहाँ पर उनके आशीष वचन लेके विदेश में जाते थे और हर कार्य में प्रत्यक्ष ध्यान देते थे। किताबों के बारे में पहले तो मुझे बुला करके कमरे में सबसे पहले जब किताब छपवाई थी सत्प्रिया साथ दीपिका तो मुझे डिक्टेशन देते थे बेटा एक साथ में और खुद बैठे बैठे डिक्टेशन देते मैं लिखता था। बाद में टेप में बोलते थे उसको भी लिखता था, भागवत पत्रिका चालू की थी, भागवत पत्रिका चालू करके बहुत सारे उसके बाद एक एक करके ग्रंथ छपते गए। सबसे पहले मैं जब आया तो प्रबंध कम से कम यह किताब ही नहीं चाहिए छपा था। धीरे धीरे इतना प्रचार प्रसार बढ़ता गया हम तो इतना समझ भी नहीं सके, किंतु मैं तो कहीं यहीं पर महाराज जी के रह के सेवा करता था। महाराज जी के जितने बुक ग्रंथ भी हैं बाहर के एडमिशन की सेवा भी सब कुछ करना पड़ता था। महाराज जी जब विदेश से आते थे तो जरूर मुझे पहली बार बुला कर पूछते तो कैसा चल रहा है क्या हो रहा है। इस प्रकार उनका स्नेह अब हमारे ऊपर नहीं रहा। जिस समय महाराज जी यहाँ से विदेश जाते थे
और लास्ट समय भी जब वो गए तो मुझे नहीं लगा था कि ऐसे चले जाएंगे अचानक। यहाँ से मैं दिल्ली गया, दिल्ली से पुरी भी जाने लगे थे, उस समय भी उनको साथ में वहां था, किंतु पुरी से जब उनको यहाँ नहीं आना हुआ तो कहते हैं कि भक्तिवर ठाकुर और प्रभुपाद कि जो एक कीर्तन लिखा है, जिया नील प्रेम धन भक्ति विनोद ठाकुर है ना, प्रभु कोथा गेला सरस्वती ठाकुर है, कोथा गेला केशव महाराज कहा नर हरि, कोथा गेला स्वामी महाराज पृथ्वी प्रचार कारी। जादेवर महाराज कुछ बात, जादेवर महाराज जी ने भक्ति विनोद ठाकुर के लिए लिखा के अपने गुरु जी के लिए कि हे प्रभु जिया नील प्रेम धन करुणा प्रचुर, जो करुणा प्रेम का धन करुणा के लेके आए कृपा करके वो सब कहाँ चले, कहाँ गेला सरस्वती ठाकुर, कहाँ केशव महाराज, कहाँ नर हरि, कहाँ गेला स्वामी महाराज पृथ्वी प्रचार कारी, और कहाँ गेला नारायण महाराज पृथ्वी प्रचार कारी। इस प्रकार वो हमारे अपस्मरणीय है, पूजनीय है, नित्य सेव्य है, उन्होंने हमारे ऊपर जो हमें जो अंगीकार स्वीकार करके हमें सेवा में नियुक्त किया, ऐसे जन्म जन्मांतर तक की सेवा करता हूँ। यही मैं आपको सबके निकट प्रार्थना करता हूँ, आप लोग मेरे ऊपर कृपा करें जैसे मैं भजन साधन कर सकूँ। वंशा कल बदल वैश्य कृपा सिंधु ब्रज के विभूषण संसार के लिए एक उज्जवल ज्योतिष कर और क्योंकि ब्रजवासियों को शौक को उन्होंने गले लगा लिया, ऐसा प्रेम किसी के प्रति देश भाव नहीं, कोई शत्रु भाव नहीं कि ये मेरा शत्रु है वो मेरा मित्र है, ऐसा भी नहीं, सबको प्रेम दिलाने वाले जो ईश्वर में प्रेम रखते हैं, राधा गोविंद के चरणों में जिनका चरम प्रबल अनुराग, वे राधा जी की अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते और न बोलते, और पूरे विश्व में जो राधा जी का भाव गौरांग महाप्रभु ने लिया, उस भाव को आस्वादन किया, उस प्रेम को जगत में दान किया, ऐसे जो महा महा वदन गुरुपाद जो राधा जी के निज जन है, इस प्रकार आज महाराज जी के चरणों में हम सभी पुष्पांजलि समर्पण कर रहे हैं। अभी हमारे मध्य में श्री श्यामरानी माता जी श्री श्री ओम ज्ञानम तिमिरंदस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। First I offer my unlimited obeisances in the dust of the lotus feet of my most worshipful Diksha Gurudev. Nichalila Pravishta Om Vishnupad Astotra Sat Sri Srimad Srila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, and the same unlimited obeisances in the dust of the lotus feet of my most worshipable Shiksha Gurudev. Nichalila Pravishta Om Vishnupad Astotra Sat Sri Srimad Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. To all of our Guru Varga, all the Sannyasi Gan, all Vaishnavas and Vaishnavis. Being an eternal associate of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Srila Gurudev is where he is. One day, Srila Gurudev said, "Today somebody asked me a question that nobody ever asked me before, and I gave an answer that I'd never given before. Somebody asked me, where is Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur now? And I replied, he's in every atom. Andantarastak paramanu chayantarastang govinda madipurushang tamahang bhajami. Govinda, Radha Govinda, all their pastimes, their abode, their associates are in every atom. And so Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur is serving them there. Similarly, Srila Gurudev is in every atom. I once heard
Vrindavan Vilasini Didi told me that Srila Gurudev said that he was in every atom directly. So to confirm it with Srila Gurudev, I asked him, and he said that when Parikit Maharaj was seated on the bank of the Ganges, to hear Srimad Bhagavatam for 7 days, great sages and demigods from many, many planets all over the universe came to hear and came to associate with him. How did they find out? There was no email at that time. There was no radar. But somehow they found out. So what to speak of Gurudev, who's much more powerful than these demigods and sages, being an eternal associate of Srimati Radhika? Certainly he has the power to be in every atom. Before every class that Srila Gurudev gave, he would utter the slok and glorification of Srila Sukadeva Goswami by Sri Suta Goswami, beginning Yam Pravajanta Manupetam Apeta Krityam. So the last line of that verse is Tam Sarva Bhuta Hridayam Muni Manatosmi. So just as Sri Sukadeva Goswami has entered into the hearts of all beings, Srila Gurudev, being even more close to Srimati Radhika, being her maid servant, he has even more power to enter into everyone's heart. Srila Vyasadeva addressed Sri Narada Rishi that you have entered everywhere just like the air. You are all pervading. So Srila Gurudev is more powerful than Sri Narada Rishi, being an eternal maidservant of Srimati Radhika. So in all these ways, we can understand that Srila Gurudev is everywhere, everywhere that we want him. Our Srila Prabhupada wrote in a letter that the spiritual master is principle, just like the principle of relay message. Like, for example, there are so many Bollywood movies that are filmed in a certain place in India, but then that can be seen all over the world. So he said, wherever you want Guru, you can turn that station, and he's there. In Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's article, recently published in the Harmonist magazine, he writes that Sri Guru manifests in every living entity. We can get his instructions and his presence through every living entity. In fact, just as Sri Parthirtha Maharaj just explained how Srila Gurudev is respectful to all, no matter who they are, I was just listening to Srila Gurudev's, one of his sloka classes in Italy, where he was teaching the devotees how to recite certain slokas. Achyutananda Prabhu was always there. And this particular day, he was teaching the verse about the Kanista Adhikari. So, Tad Bhaktesu Chanyesu. He said the Kanista Adhikari doesn't respect, he doesn't know how to respect Krishna's bhaktas. All the devotees explained that. He said, but why should a devotee, Kanista Bhakta, so he's Bhakta, why should a Bhakta respect all living entities? Cha Anyesu. And then nobody could answer. So Gurudev answered himself from Chaitanya Bhagavat that whether we know it or not, Krishna resides in every living entity. So Gurudev said we must have respect for every living entity, even the blades of grass. Why? Because Krishna is there, and wherever Krishna is there, Sri Guru is there. I'd like to, for a few minutes,
share some of my experiences with Srila Gurudev in relation to the paintings. The first one being Sevakunj. I showed Srila Gurudev some slides of my paintings that I had done for our Srila Prabhupada for the BBT, Bhaktivedanta Book Trust. As soon as he saw the slides, he immediately opened his Almira and he had a whole set of our Prabhupada's Chaitanya Charitamritas. So he pulled out one, opened it to the picture part of Krishna splashing the gopis at Radhakund, and Chaitanya Mahaprabhu was standing on the shore and watching. So he said, "Did you do this?" I said, "Yes." He said, "Come with me." This was in Mathura, just downstairs, when he had that central room. Then he brought me into the end room, and there was a big painting of Sevakunj. He said, "I'm not at all happy with this. I spent 3,000 rupees, I gave that to the artist, and I'm not at all happy. Radha and Krishna look so old. Can you make them younger? Can you work on their faces?" So I said, "Well, I could work on the faces, but then the rest of it will look different by comparison." So he said, "Okay, then start from the beginning." And he asked, "Can you paint my heart?" And from then on, the process began. He gave me a little tiny picture, about 2 inches by 2 inches, from Loy Bazaar, of that same picture. And then he said, "Start doing sketches and I'll guide you." Then he sent one of the brahmacharis to the market to get a Xerox copy of line drawings of Radharani's hand, showing all the different markings on her hand. He said, "Put them on her hand." Then Srila Gurudev himself posed for Radha and Krishna, for Krishna making the appeal. And I asked him, "What is the significance of Krishna going like that?" So he said, "Notice that the flute is lying down at the feet of Radharani. Krishna said to her, 'I've put my prized possession at your lotus feet. What more can I offer you? I'm begging that you put your lotus feet on my head. What more can I offer you in return?'" And Srila Gurudev also posed for Srimati Radhika. He said, "The gopis would cover themselves fully, but then their cloth would be kind of translucent or almost transparent. So even though Radharani's covering her face with her veil, he could see, Krishna could see that she's glancing at him through the veil." He said, he told me, "This is Kila Kinchit Bhav. So many contradictory emotions going on all at once." He said, "Make Radharani smiling, at the same time weeping. Rejecting Krishna, at the same time playing hard to get, at the same time alluring him. Make Krishna also smiling, and at the same time weeping." He told me what kind of cloth to put on. He said, "A young man looks very debonair, very attractive, if he's wearing a semi-see-through shirt that's very tight to the body." And he told me about the birds. There's two birds you see in the painting very animatedly speaking to each other. He said, "One is Sukh and one is Sari. And they're arguing with each other. Sukh is saying how Krishna is superior, and Sari is saying how Radharani is superior. And finally they come to the conclusion that together they make the complete, great, absolute truth." So in this way, Srila Gurudev was helping the painting develop more and more. Every detail came from him. When the picture was almost finished, and I would bring it to him every few days, Sirtha Maharaj would remember, every few days, I was in Vrindavan and he was in Mathura. Thank you.
So when I was almost finished, I was bringing the paintings regularly, and then either by auto rickshaw, we put the big giant 3-foot by 4-foot painting on top of the auto rickshaw, or sometimes sticking out of the auto rickshaw, praying that no car would run into it. So finally, towards the end, Srila Gurudev called me from Vrindavan on a day that I wasn't going to visit. And he said, I want you to put peeping through the lattice creepers some manjaris, as many as you can comfortably fit, very secretly looking through. I told them I did that, and before that time, the painting was just simply not manifesting. As soon as the manjaris were there, everything just manifested by itself. And so I understood that by the mercy of Radharani's maidservants who are manifest here as the Acharya, by that we get the manifestation of Radha and Krishna. So then I told Gurudev who I thought they were. I said, is that all right? Is that my kalpana? He said, that's all right. But don't tell anybody else. Everybody should realize by their own bhajan who those manjaris are. Then, when the painting was almost finished, Gurudev told me to put Kaustubha money and Kaustubha money on Radharani, and what was the jewel on Krishna? Shamantaka jewel. Shamantaka jewel on Radharani and Kaustubha money on Krishna. He said, make it millions of times more brilliant than the sun and at the same time like a rainbow. Of course, it's impossible to show. But by his sound vibration, because the painting was actually made by his sound and his glance, the power is there, for the presence is there, and his heart is there. Then when the painting was finished, I asked him, why is it that this painting took so long? I painted for so many years, 30, 40 years, and none of the paintings I ever did took so long. So he said, because I had to push my will through your will, and that's what took so long. During the course of the time that the painting was done, was in the middle of being made, I had a lot of friends from ISKCON at that time, and whenever they would come to visit me, because I was staying in Krishna Balaram Mandir in Vrindavan, I would share with them everything that Srila Gurudev had told me, all the secrets, thinking that it was the same as when our Prabhupada was here. As soon as Prabhupada would say something, immediately we'd share it with everybody. So without any discrimination, I would tell everybody. And Srila Gurudev had told me at the beginning, when you finish this painting, you'll see that there's a complete change in your heart. Always keep this scene in your heart, and when you finish the painting, you'll have a complete change of your heart. So then the painting was finished, finally the last stroke, and I was so busy spending about 14, 15 hours a day that I didn't have time to think, where am I at? Am I going through any changes or not? But then when the picture is finished, I thought about myself and I thought, no change. So I went back to Gurudev and I asked him, you said that I'd have so much change. Why no change? So Srila Gurudev said, this is a sad story. I put so many treasures in your treasure chest and told you to keep them locked up. Because by preaching this, you'll have nothing. You'll come to zero. So you told everything, and now everything flew out of your treasure chest. What a sad story. So then first he said, this should not be in Loy Bazaar, just distributed everywhere. In fact, when we were sitting with him one morning, just outside their altar at Rup Sanatan, Gaudiya Mutt, the devotee who was constructing the altar and the doors had just finished. So I said to Srila Gurudev, I don't think he made the doors right. Why don't we have the doors open in such a way that everyone can easily see without having to put half your body in to look in both ways to see what's happening in there? So Gurudev said to me,
Brahma can't see this, Lord Shiva cannot see this scene, and you want to make it for everybody, you want to make it ordinary, then it will become ordinary. Then, about, that was in 1993, and about 12 years later, or 13 years later, one of the, you all know Vikash Prabhu from Delhi, he wanted to make posters for mass distribution of Sevakunj. And I'd already gotten my order from Srila Gurudev otherwise, so I said, let's go ask him. So I went to ask him, we all went to ask him, and Srila Gurudev said, I want this picture in everyone's heart. It will give Sukriti. Even if someone, I said, even if someone is a butcher, a meat eater, an intoxication taker, he said it doesn't matter what anybody is. They'll all get Sukritis and they'll want to know more about Krishna and they'll come to the bona fide guru. So then I asked, what about the Manjaris? And he said, yes, the Manjaris too. So he's like putting his heart everywhere. I don't want to take a lot of time because there are so many more speakers. Just to quickly, in 1 or 2 minutes, tell you how... Stop now? Okay, we'll do that another time. Just very quickly, the Venugit, how Srila Gurudev made that start. He said, where are the gopis? You'll see that the gopis are in the forest, stealthily sharing glances with Krishna. But really, they're in their homes. Srila Gurudev said they're in their homes, but because of their intense bhajan, they ended up in the place where their verses were describing. So by their bhajan, they're teaching how we should do bhajan, and thus they ended up in that very place. He said Baladev should be forward, because he's the older brother, and the older brother is almost in Vatsalya Ras. He shouldn't be where Krishna and Radha will meet. So they should be going forward, but he said make Balaram's eyes looking back, knowing what's going on and why he's leaving. So all the older coward boys are going forward. I said, well, how come Baladev is carrying a buffalo horn? Isn't that violent? So he said, no, you don't understand. It's not made of a buffalo horn. It's made of green leaves. So I made it green. And the coward boys in the back, are calling out, hey, Krishna, look at us. Watch what we're doing. So that Krishna would have to slow up. So there's a lot of space between the older boys in the front and the boys of the same age in the back. So Krishna is able to exchange glances with Radharani and the gopis. And I'm going to tell you something now that might completely ruin my whole bhakti, even though I don't have any. You'll notice, and then I ask you to please bless me to get it back and pray for me and give me your mercy. On the side, there's Radharani and two gopis. One of the gopis has her arm around Radharani's waist, and you can see two or three fingers coming around Radharani's waist. And Madhav Maharaj said to me, that's Gurudev doing that to Srimati Radhika. That's how he takes her to Abhisar. Otherwise, her waist will break. Srila Raghunath Das Goswami also prayed like that. That when will I accompany you to cook for Krishna, holding your waist so that it won't break because you're swaying back and forth. So this was in 1995, and so I asked Gurudev, is this true that it's you? So he said, yes, but don't tell anybody. So now I'm finished. My bhakti is gone, even though I never had any, is way down the drain on minus. So I'm begging you for your mercy that you could help me get whatever I had and more back so that I can become a pure Guru Sevak and so Srila Gurudev can use me in your mission. Gaur Premanandi Hari Hari Bol. Hello. Abhi humare madhya mein upasthit humare param pujaniya swabhavati roop mein virajman जो कि श्री वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी जी ये गुरु जी के अति निकट में और हमारी पत्रिका के जितने भी लेख हैं वहाँ के यहाँ के संपादक हैं और गुरु जी ने उन्हें इस प्रकार
अपने से लगाया और किस प्रकार उन्होंने कृपा आशीर्वाद दी और इन विषयों पर, इन सभी विषयों पर श्री भारतीय कृष्ण चतुर्वेदी की से हम लोग सुनेंगे, उनसे हम प्रार्थना करेंगे। अव्यक्तं श्रुतभिर्न्यगाद मुनिभिः। ब्रज क्या है, ब्रह्म कहाँ है, बोले अव्यक्तम नहीं जानते। वेदों ने कहा अव्यक्तं श्रुतभिर्न्यगाद मुनिभिः स्वान्ते व्यचार व्रतम ब्रह्मैतन्निखिलम् जगत निर्ध्यान्यध्याय सदयोग ही। अरे भाई ब्रह्म क्या है आप बताएंगे? बोले हाँ अव्यक्तम श्रुतु भी, वेदों ने कहा वो अव्यक्त है। और दूसरे लोगों से पूछा, उन्होंने कहा ब्रह्म ही तन निखिलम, ये ब्रह्म है इसलिए उसे कहां बताएं हम। ब्रह्म ही तन्निखिलम जगन निज धिया निध्याय सद योग भी, योगियों ने ये बताया योग करो वही ब्रह्म है। सत्ता दार्शन कई हे वेदांत के ज्ञाताओं, ब्रह्म क्या है? बोले सत्ता, ये चल रहा है जगत वही सबसे बड़ा परमेश्वर है। सत्ता दार्शन कई रवहान यदहु और बुद्धश्च बुद्धादवी, हे बुद्ध को जानने वाले आप बता दो। बोले बुद्धि का नाम ब्रह्म है। और जब ब्रज में आए और जिसके लिए वो लाइन हमेशा रही, श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्रादरु न परह, वो ब्रज में आकर के क्या हुआ, साक्षात अवलोक्यते ब्रज भूमि प्रेमास्पदम थे अनुपम। ब्रज क्या है, ये जो ब्रज में जो भगवान कृष्ण है वे ही सबसे बड़े ब्रह्म हैं और हम उन्हीं को प्रणाम करते हैं। हमारे बीच में जो एक नाम से नहीं रहे नारायण, आपो नारायण प्रोक्ता तन नारायण स्मृत, आप माने पानी, अयन माने स्थान, तो नार अयन नारायण और वो ही नारायण आज हमारे बीच में उस रूप में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु आपको उन्हें समाधिस्थ होकर चुप नहीं रहना होगा, बोलना भी होगा। हम लोग बोलते हैं, आप लोग बोलते क्यों नहीं, मैं बोलाऊंगा आपसे केवल दो मिनट, ज्यादा नहीं। कारण ये है कि इन्होंने वो वस्तु बताई जो आज तक न तो हुई और न दिखलाई पड़ रही। कारण ये है वे पर उपदेश नहीं पर हित करता थे, वेदांत नारायण महाराज जी और उनका हित करने वाले थे। उदाहरण दो तीन दे देता हूं, जहां आप बैठे हैं यहां हरे राम हरे कृष्ण अभय चरण जी का, जिन्हें अंग्रेजी में एसी वेदांति जी कहते हैं, वो यही यहां पधारे थे और यहां से फिर वृंदावन गए और वहां भी बड़ी विलक्षण बात थी, ये मैं आपके स्मरण को कर करता हूं, क्यों यही एक कुछ बातें हो गई थी। यहां बात हुई कि भागवत जी का कोई ऐसा कार्य हो जो जगत में न हो। वारे वारे में परम प्रेम चैतन्य कारक, मैं तो जानकारी महाराज संस्कृत की टीकाएं पंडितों ने की है, मैं तो अधमरा हो जाऊंगा तो अभी समझ नहीं पाऊंगा। बोले वो ठीक है, श्री चैतन्य महाप्रभु मतमदम तत्रादरु न परा,
लेकिन आप ऐसी चीज लाइए जो कहीं ना हो। और मुझे खुश है, प्रसन्नता है, इन्होंने भक्ति वेदांत जी महाराज और अन्य लोगों से मिलते मिलते और ये कह दिया कि आप भागवत जी के अल्फाबेटिकल क्रम नाम स्थान गोपी गोप उनके परिवार कितनी बार भागवत में आया नाम ऐसा किसी ने नहीं कहा और उन्होंने करा दिया। हमारी भागवत पत्रिका में सबसे पहले निकला। ये मामूली बात नहीं थी। मुझे जैसे छोकरे को उन्होंने रास्ता दे दिया। जैसे वेदांति जी बैठे थे बोले एक काम करो ना। हमारे नारायण जी महाराज बोले इनकी जिंदगी बीत जाएगी नहीं लग पाएंगे। 18,000 श्लोक और उनमें यमुना शब्द कई बार आया कौन बता देगा? यमुना शब्द भागवत जी में कितनी बार आया? हरि शब्द 180 बार आया। कृष्ण शब्द कितनी बार आया? बलराम शब्द कितनी बार आया? गंगा शब्द कितनी बार आया? ये काम करना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो उन्होंने ऐसी वेदांति जी से कहा कोई मार्ग निकाला जाए। तो ये मार्ग ये है, ये बंगला नहीं जानते, मैं हिंदी नहीं जानता, ये उस समय की बात है जब यहां पर मैं 55 में आ गया था। सन 55 में, 55 में आया तो ऐसी वेदांती जी बंगला में मुझे समझाते इसका ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है। तो तुम्हें शब्द ढूंढने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। हमारे नारायण जी कह रहे हैं कि जिंदगी नहीं निकल जाएगी, मैं कहता हूँ साल भर के भीतर कर लेंगे। और वही हुआ, दोनों की राय हुई और सर्वप्रथम भागवत पत्रिका में वे शब्द निकले कि कोई भी शब्द कोई भी स्थान भारत का जो भागवत में हो तो वो मिल गया, छप गया। और वहां कुछ विदेशी लोग भी आए और उन्होंने कहा क्या बेकारी बात करा रहे हो उनसे। इनसे बोले बंधारा जी के यहां और उसका परिणाम क्या निकला? उन्होंने कहा ये अद्भुत ग्रंथ होगा। वो अद्भुत ग्रंथ हो गया। श्रीमद् भागवत की पात्रानुक्रमण का स्थानानुक्रमण का वो भागवत पत्रिका में सबसे पहले यहां पर निकली थी और उनका उद्देश्य उनका जो लाभ था सबको देने के लिए वो हमारे महाराज श्री वो इन्होंने दिया था। तो वहां पर कुछ लोग आए बोले ये अंग्रेजी के शब्द तो है नहीं। तुम तो ये हंसकर क्या बोले क्या आप अंग्रेजी के विद्वान हैं विद्वान हैं? बोले ये तो ब्रजवासी है, ये क्या जानता होगा अंग्रेजी को, पढ़ता भी नहीं होगा ये तो। दूसरे दिन बनभाराज जी जिनके कॉलेज में 64 में मुझे वो ले गए थे मथुरा से मेरा प्रवचन सुनकर और कॉलेज का सबसे पहला हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में रहा और 30 वर्ष मैंने वहां सेवा की और 50 विद्यार्थी मेरे PhD हो गए और लगभग 60 ग्रंथ मेरे छप चुके हैं। पर प्रारंभ कहां से हुआ? जिस इस धरती में बैठा हूं, जिस इस भाव में बैठा हूं, हमारे भक्त वेदांत नारायण जी ने आगे मुझे अग्रसर कर दिया। क्यों? कि जहां वो विदेश बन महाराज जी का है, हिटलर ने कई बार बन महाराज जी से हाथ मिलाया है, उनके फोन फोटो भी है और कई विदेश की बिल्डिंगों से बन महाराज जी को भक्त हृदय बन महाराज जी को जिन्होंने कॉलेज बनाया वृंदावन में उनको डीलिट की उपाधि दी थी विद्वत्ता के कारण बन महाराज जी की। और वहां भी आप पधारते थे, ऐसी वेदांती भी चले गए और उन्होंने कहा कि यदि ये कुछ पढ़े हैं तो जरा हमारे विदेशियों को भी बता दें। मैंने कहा मैं बता देता हूं, यदि ये भागवत कर्ता इतने बड़े विद्वान थे, आपके यहां भी विद्वत्ता है, पर आप बता सकेंगे प्लेटो ने क्या किया था, अरस्तु ने क्या किया था,
थैक्स ने क्या किया था, लॉरेशन ने क्या किया था, कैडल ने क्या किया था, हल्डर ने क्या किया था, जेनर्स ने क्या किया था, और मूलर मैक्स मूलर क्या लिखने का काम किया था, क्या आप जानते हैं? विटने ने क्या किया था, क्राफ्टमैन ने क्या किया था, बर्नर ने क्या किया था? वे बोले हम कैसे बोले मूर्खानंद समझ रहे थे रुझका, ये तो उनके हम विदेशियों का नाम ले रहा है। मैंने नाम लिया और कविता भी बना दी भाई, क्योंकि मैंने एक घंटे में वृंदावन में कुंभ के उत्सव में जब मेरा नाम लिया गया, अब आपके सामने फलाना व्यक्ति बोलेगा, तो उन्होंने जो बनारस से वाराणसी से काशी से आए हुए थे बोले हमें इनकी प्रशंसाएं नहीं सुनना, न इनकी सुनना न उनकी सुनना, ये थी वेदांति जी की। क्या चाहते हो? अरे एक घंटे में कोई 100 श्लोक बना दे माइक पर खड़ा होकर के, तो हम उसे मान जाएंगे। नहीं, हमारे पिताजी ने नहीं किया था ऐसा, बाबा ने नहीं किया था। जो दयानंद सरस्वती के सहाध्यायी थे और उसी कारण कहीं भी आर समाजी आते नहीं हमारे सामने, जो छत्ता बाजार में दयानंद महर्षि पढ़े थे और मेरे बाबा भी साथ साथ उनके पढ़े थे, दयानंद जी को बार बार पाठशाला से निकाला जाता और मेरे बाबा बन्ना जी बार बार उन्हें ले आते थे, गुरुजी पढ़ाइए इसे। उस परिवार का मैं व्यक्ति हूं। उन्होंने कहा कि एक घंटे में 100 श्लोक कोई बता दे तो हमारा मथुरा आगमन ठीक हो जाए। यद्यपि मैंने कहा हमारे पिताजी दादाजी परदादाजी थे विद्वान, पर एक घंटे में श्लोक की बात मैंने नहीं सुनी। तो बस अंबिकादत्त व्यास ने जयपुर में मनाया, अमुक ने माइक पर खड़े होकर के 100 श्लोक बोले, तो मैंने कहा उनकी विद्वत्ता उनके साथ में थी। अगर आप इसी को विद्वान मानते हैं तो निम्बार्काचार्य जी बैठे हुए थे, कुंभ का उत्सव था और शिवरामाचार्य जी ने ये रख दिया कि एक घंटे में 100 श्लोक सुनाओ। मैंने कहा अब मर गए तुम, ब्रजवासियों को भी मत डालोगे। क्यों? कहेंगे हम तो समझे थे ब्रज में बहुत पंडित होंगे, तो पंडित ही नहीं है। मैंने एक घंटे में 110 माइक पर खड़े होकर के बना दिए थे श्लोक, और उसके बंदे के साथ जब चलने लगे तो मैंने जरा वस्त्र पकड़ लिया, इसे लिख तो जाइए, लोग कहेंगे सब धूप देता है। उन्होंने लिखा और जगत गुरु निम्बार्काचार्य और जितने भी बैठे थे वहां ऐसी वेदांती जी वगैरह बोले ऐसे नहीं जाना चाहिए। अगर इन्होंने एक घंटे में 100 श्लोक बना दिए थे मैंने 110, तो अब आप लिख करके जाइए कि आप काशी से आए और एक घंटे में 110 श्लोक बनाइए, जो कोई खेल तमाशा तो है नहीं। क्यों? उन्होंने कह दिया हम गोपाल सहस्त्रनाम नहीं सुनेंगे, हम अमुक नहीं सुनेंगे। तो जहां ये विभूति बैठे थे वहां मुझे जश मिला और घटका शतावधान, ये आप मुझे घटका शतावधान ये मुझे उपाधि मिली। उन्होंने दिया, मैंने फिर वो सब कागज फेंक दिया। बोले क्यों? मैं ये तो हाथ से लिखा हुआ है, आपकी छाप चाहिए इस पर। तो उन्होंने उसमें छाप लगाई जिससे ये न हो जाए ऐसा हो जाए। मेरे उस दिन नारायण जी ने कैसा आलिंगन किया, कैसा मुझे आशीर्वाद दिया, मैं शब्दों से कह नहीं सकता। अभी आपने बंबई की चर्चा की थी, वहां भी वो मुझे ले गए थे, और वृंदावन में जब उनकी विद्वत सभा हुई तो वो विदेशियों का नाम लिया, तो मैंने कहा जरा बताइए प्लेटो रस्तु थैक्सल और रूसो, आप लोग तो समझ जाएंगे मथुरा वृंदावन के नहीं, जो विदेशी होंगे वो समझ जाएंगे ये साहित्यकार हुए विदेश में। प्लेटो अरस्तु वैज्ञान वो हुए वेदांत के, क्या था प्लेटो रस्तु थैक्सल और रूसो कैडल का हर्डर जेनिस सर विलियम जोन सर विलियम स्लेगेल रैक्स जैकब। ध्यान करना कौन कौन से नगर गए ये लोग, रैक्स जैकब बाप पाठ स्लाई सरा, ये जर्मन का है, बाप पाठ स्लाई सरा मूलर कौन, अरे बड़ा सिद्धांत मैक्स मूलर हिटने
ग्रास मेड बर्नर हर मास्टर ब्रह्मेन का भाषा शास्त्र विवेच नीत निपुणा वैदेशिका पंडिता। हमने तो आपके विदेशियों के पंडित बता दिए, अब आप हमारे यहाँ के पंडितों के नाम ले जाए। हम वृंदावन में सभा में आए हैं तो मौनम सम्मत लक्षण। तो इस प्रकार से ऐसी वेदांती जी ने कहा कि अब गौरी मठ में तो हम ये रही थे और आपने इनको पात्र बना दिया और वहां छप गए। अब वो किताब कंठमणि शास्त्री ने अहमदाबाद से भी छप दिए हैं भागवत की पात्रानुक्रमण का। भागवत के नाम, भागवत के स्थान, गोवर्धन शब्द कई बार, गोकुल शब्द कितनी बार आया भागवत में, ऐसा ऐसा तत्व बता गए जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। दुर्भाग्य है कि मेरे घर में एक भी कॉपी नहीं होगी, सब ले गए ले जाने वाले। तो इस प्रकार से जब मैंने ये बताया बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कान में कि इनसे मेरे अमेरिका का काम चलवा दो, ये कर देगा लड़का। 1964 में मैं वन महाराज के कॉलेज में पहुंच गया था 1964 में, और अमेरिका जाने का दाव नहीं लग रहा था इनका, एसी वेदांती जी का। तब मगनलाल वहां के चेयरमैन पाठक जी, गोविंद पाठक और राधा पाठक के पिताजी, और मैं, वन महाराज ने लगा दिया चंदा कर लिया करो, चंदा को जाते वो नहीं होता तब क्या हो। तो इन्होंने कहा एक काम हो सकता है, सुमती मुरार का पानी का जहाज चलाती हैं, उनसे कह दो तो काम हो जाएगा। मैंने वो कब आएंगी, बोले कल। वन महाराज जी ने कहा मथुरा से लेकर नंदगांव बरसाना होकर के घूम करके ले आना, राधा कृष्ण भी आने वाले हैं, और आप इनको अगर प्रसन्न कर सके रास्ते में नंदगांव बरसाना होते हुए तो हमारे कॉलेज की मीटिंग के समय में आ जाना 4 बजे तक। मैं पहुंच गया उन्हें घुमा करके और मुंह खुल गया था मेरा। तो मैंने कहा बहन आप हमारे इनका अमेरिका जाने का कोई कर दो ना इंतजाम। बोले हो जाएगा। फिर कहा तो बन महाराज जी से कहा ये क्या बोलता है। बोले ई चतुर्वेदी गॉप शॉप करती रहती है, कुछ नहीं करता है। ई चतुर्वेदी गॉप शॉप करती है, चिंता मत करो। बोले नहीं कोई बोलता है मेरे बारे में, उंगली दिखाता है मुझे। बोले ये पानी का हमारे गौड़ी संप्रदाय का एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अमेरिका अगर जाएगा तो हमारी बहुत बड़ी काम हरे राम हरे कृष्ण वाला मंदिर जो ये बनाना चाहते हैं वो बन जाएगा। तो ये कौड़ी के बराबर ही नहीं है। अरे मेरे प्रिय, आपने मुझसे ये काम करवा दिया कौनगी सुमती मुरार खान ने कहा मैं दूंगी इनका अमेरिका जाने का। पानी के जहाज चलते थे उनके उस दिनों में। मगनलाल की चेयरमैन वृंदावन के खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए, और वो पानी ये जहाज चलने वालों में उन्होंने दिया, वो इनकी कृपा थी। इस कारण मेरा ये कहना है कि बोलने को तो हम लोग मुखमस्ती जो वक्तव्यम हमारा मुख दिया है तो बोलते ही रहेंगे हम, परं जो स्मरण आया है इनका वो आप कैसे बोलेंगे इस चिंता में पड़ा हुआ था कि हम तो जितने लोग आएंगे कुछ न कुछ बोलते ही रहेंगे। आप क्या बोलेंगे तो मैं आपसे बुलवाना चाहता हूँ, आप मुझे सहयोग देंगे और आप सिद्धा अवरत आप बिरहोश सम में आप भी आ जाइए हमारे साथ संबंध में उच्चारण में तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं आगे की लाइन बोलूंगा, आप पीछे की लाइन बोलेंगे, इतना तो कर देंगे। अगर संस्कृत के कारण चिंता हो तो पीछे की लाइन में भी बताता हूँ वो कर लें। और आप लोग ऐसे दिन कि जो एक प्रकार से
इनकी प्रशंसा की कही जाए बहुत कठिन है। इन्हीं के कारण मैंने भागवत के टीकाकार या नीचे बैठ करके करता था, मैं लगता था, और ऐसी वेदांत की बंगला की लाया करते थे, उसको हिंदी में मैं पढ़ने इनकी वजह से कर देता था। तो जितना भी ब्रह्म सूत्र उपनिषद और भागवत मुंह से कह देना आराम है, पर क्षमा करना, बड़े से बड़ा पंडित ये नहीं बता सकता कि ब्रह्म सूत्र भागवत में कौन कौन सी जगह है, हर एक नहीं कह सकता। ये इनकी कृपा है, जो मैंने जो ग्रंथ बनाया वो डीलिट के लिए स्वीकृत हो गया। ब्रह्म सूत्र उपनिषद और भागवत जैसे लोग एक आध बात बता देंगे, जन्माद्यस्वयतोन्वयाद्तरतश्चार्थेष्वविद्यत्वराट्। जन्माद्यस्य क्या है? ब्रह्म सूत्र। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्यतः शास्त्र योनित्वात् तत्तु सबन्वयात् इच्छते ना शब्दम्। ये मिलेगा क्या आपको ढूंढने से ब्रज में? भागवत में मिलेगा, ये नहीं कहता कि नहीं मिलेगा, परंतु सरल नहीं है कि हर जगह आपको ब्रह्म सूत्र मिल जाए। और उपनिषद कौन सा उपनिषद भागवत जी में कहा है? क्षमा करना।